Hi all, this is Sarika Dulsiani and I would like to welcome all of you in today's video. अब जैसे कि आपको पता है कि MBA CET की एग्जाम काफी पास आ गई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि कौन से टॉपिक्स करना चाहिए, कौन से छोड़ देने चाहिए, किसका वेटेज ज्यादा है, किसका वेटेज कम है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. सो हियर आई एम मेकिंग दिस वीडियो ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि लास्ट ईयर अलग अलग स्लॉट्स में व्हाट वाज द वेटेज ऑफ द टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे, कौन से टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट थे, क्या हमें करना जरूरी है, क्या हम छोड़ सकते हैं. ठीक है, नाउ लास्ट ईयर MBA CET वाज हेल्ड इन 4 स्लॉट्स, स्टार्टिंग विद स्लॉट 1 जो मॉर्निंग स्लॉट था, जहां पे सबसे ज्यादा टाइमिंग इश्यूज हुए थे क्योंकि सम पीपल हैड गॉट 30 मिनट्स एक्स्ट्रा, सम पीपल डिड नॉट गेट 30 मिनट्स एक्स्ट्रा. तो सबसे ज्यादा ग्लिच जो स्लॉट में हुआ था, ये वो स्लॉट का वेटेज है. टू बिगिन विद लेट्स टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग. अगर आप देखोगे लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजी के 4 क्वेश्चंस थे, ब्लड रिलेशंस के इफ यू सी देयर वर 10 क्वेश्चंस, यस, एंड दीज वर ऑल स्टैंड अलोन क्वेश्चंस. ठीक है, स्टैंड अलोन मतलब ये सारे इंडिविजुअल क्वेश्चंस थे, इसमें से कुछ भी सेट बेस नहीं था. नाउ इमेजिन 10 क्वेश्चंस ऑफ ब्लड रिलेशंस, स्टैंड अलोन क्वेश्चंस काफी इजी क्वेश्चंस थे. ठीक है, कैलेंडर क्लॉक्स के एक एक क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चंस, सो इट वाज अ सेट बेस्ड क्वेश्चन, एक सेट दिया गया था. सर्कुलर अरेंजमेंट अगेन 1 सेट, डायरेक्शन सेंस वाज 6 स्टैंड अलोन क्वेश्चंस, देन लेटर सीरीज 2 लीनियर अरेंजमेंट का एक पजल था. सो देखो सर्कुलर वाज 1 पजल, लीनियर वाज 1 पजल, मैट्रिक्स अरेंजमेंट के 2 पजल थे. मैट्रिक्स अरेंजमेंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, जहां पे आपको बोला जाता है ए बी सी डी ई, दे लाइक दिस बुक, यू नो दे लाइक दिस कलर, दिस पर्सन बिलोंग्स टू दिस सिटी, तो आपको टेबल बना के पूरा डेटा पुट करना पड़ता है. ठीक है, तो इसके 2 पजल्स आए थे, मिसिंग लेटर, मिसिंग नंबर, ऑड वन आउट, सिलोजिज्म्स, वेन डायग्राम्स, वर्ड चेंज. तो इफ यू सी बाय एंड लार्ज द वेटेज वाज प्रीटी मच इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. हाउएवर ब्लड रिलेशंस हैड अ वेरी हाई वेटेज, पजल्स वाज द सेकंड हाईएस्ट, मतलब मैट्रिक्स के 2 पजल्स, लीनियर का 1, सर्कुलर का 1. मेक श्योर यू डू योर पजल्स वेरी वेरी वेल. ठीक है, मूविंग ऑन टू स्लॉट 1 ऑफ कॉर्न. अगर आप देखेंगे यहाँ पे वापस से द टॉपिक्स आर प्रिटी मच इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एजेस पे 2 क्वेश्चन है, एवरेज पे 2 है, डिविजिबिलिटी पे 2 है, लीनियर पे 1 था, लॉगरिथम पे 1 था. जनरली अभी लॉगरिथम इज नॉट अ सीईटी टॉपिक एनी मोर, बट लॉगरिथम का एक ही क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन वॉज वॉट इज लॉग ए टू द बेस ई. Now, those of you who know logarithms might know that log of any term to the same base ka answer hamesha 1 hota hai. Theek hai? Similarly, if you talk about mixtures, allegations 1, numbers 1, profit and loss 2, permutation combination, percentages, so on and so forth. But ek baat aap dhyan se observe karenge, ratios ke 4 question the, simple compound interest ke 3, theek hai? Time and work 4, time and distance 4. So the most asked questions were on time and work, time and distance, ratios and then simple compound interest. ठीक है, ये आप ध्यान में रखना और across lots आपको समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा quant के topics कौन से पूछे जा रहे हैं across lots. ठीक है, moving on to verbal. तो verbal में if you see 2 RC passages थे, एक passage पे there were 5 questions, one passage had 8 questions, so there were a total of 13 questions asked. ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन MBA CET का काफी डिफिकल्ट नहीं होता है, दे आर प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड. दैट मींस इफ यू जस्ट रीड योर आरसी प्रॉपरली, इट इज वेरी इजी टू फिगर आउट एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द आंसर्स. सो मेक श्योर आरसीज अच्छे से करके जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर बेस्ड, फिल इन द ब्लैंक्स वोकैब बेस्ड, सिनोनिम्स एंटोनिम्स 3+2, मतलब एंटोनिम्स के 3 क्वेश्चन, सिनोनिम्स के 2 क्वेश्चन, idioms and proverbs 6 questions, contextual vocabulary, so basically vocabulary ke questions 4, one word substitution 5. What do you mean by one word substitution? Matlab wo log ek meaning denge, aapko 4 options denge and they will ask you that meaning is for which word, so that you have to figure out. Odd one out, analogies, verbal syllogs, grammar, which is error detection. So error detection had the highest weightage with 7 questions and sentence correction at 3 questions. तो मेक श्योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ग्रामर हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, थोड़ा से अच्छे से कीजिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग विच अकाउंट फॉर 25 क्वेश्चंस, तो पैटर्न बेस्ड जो थे दैट हैड 9 क्वेश्चंस, मिरर इमेज के 3, नेक्स्ट वन इन द सीरीज 5, ऑड वन आउट 2, एम्बेडेड फिगर 2, मिसलेनियस 3. And most of the questions were pretty much solvable. Matlab out of 25 questions, around 20 to 22 was pretty much achievable in this slot.
तो अगर आप पूरे स्लॉट की बात करें तो अराउंड 150 to 160 questions were pretty much सच की ये अटेम्प्ट किए जा सकते थे. Those questions could have been attempted very smoothly. The only problem was timer का इतना ज्यादा ग्लिच और इश्यू हो गया था कि स्टूडेंट्स पैनिक कर गए थे. अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और प्रॉब्लम नहीं था. ठीक है, मूविंग ऑन. यस, ऑल्सो क्वांट का स्लॉट वन की बात करें तो ये जो था ये DI रिप्रेजेंट करता है, डेटा इंटरप्रिटेशन. दो सेट्स आए थे. सेट वन वाज ऑन टेबल्स व्हिच हैड 7 टू 8 क्वेश्चंस. सेट टू वाज अ पाई चार्ट व्हिच हैड 5 क्वेश्चंस. तो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन इजी था एंड टेबल वाला क्वेश्चन मॉडरेट था. तो क्वांट में इफ लेट्स से इफ यू आर नॉट वेरी गुड विद क्वांट टॉपिक्स यू कैन डेफिनेटली फोकस ऑन DI. तो DI थोड़ा अच्छे से करके जाइए कि अगर आपके स्लॉट में DI आया तो आप एटलीस्ट वहां पे तो स्कोर डेफिनेटली कर पाएंगे. स्लॉट टू की बात करते हैं. स्लॉट टू में हाउएवर देयर वर सम चेंजेस ऑब्जर्व. तो स्लॉट टू में लॉजिकल रीजनिंग के 75 क्वेश्चंस की जगह 65 क्वेश्चंस आए थे और वर्बल में 50 की जगह 60 क्वेश्चंस आए थे. तो यहाँ से 10 निकाल के यहाँ डाल दिए थे. तो वर्बल के जगह 60, लॉजिकल रीजनिंग 65. नाउ इफ यू लुक एट स्लॉट टू, स्लॉट टू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि सिलॉग्स ही नहीं था. ठीक है, सिलॉग्स जो स्लॉट वन में 5 से 6 क्वेश्चंस आए थे इसमें सिलॉजिज्म्स, डिडक्शंस, व्हाटएवर यू कॉल इट था ही नहीं. एक और सरप्राइजिंग चीज थी, नो DI, डेटा इंटरप्रिटेशन ही नहीं था. मतलब प्रीवियस स्लॉट में देयर वर टू सेट्स ऑन DI, इसमें DI ही नहीं था. ऑल 50 क्वेश्चंस ऑफ क्वांट वर प्योर क्वांट क्वेश्चंस. ठीक है, तो द प्रॉब्लम विद प्योर क्वांट क्वेश्चंस इज दैट कि थोड़ा लेंथी हो जाता है. ठीक है, डेटा सफिशिएंसी नहीं था, क्रिटिकल रीजनिंग भी नहीं था, इनपुट आउटपुट भी नहीं था. सो पेपर वॉज नॉट लेंथी बट इट वॉज ट्रिकी एंड द क्वांट वॉज वेरी इजी. प्लीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हाईलाइट. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमारा माइंड सेट ऐसा बन गया है कि हमारा इतना फोबिया हो जाता है क्वांट के साथ कि हम लोग प्रिटी मच उसे अवॉइड करते हैं कि क्वांट में छोड़ के आई ट्राई टू स्कोर समवेयर एल्स. बट अगर लेट्स से क्वांट इजी आ गया और कोई और सेक्शन लेट्स से वर्बल या लॉजिक डिफिकल्ट आ गया, देन यू विल बी इन अ मेस, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्कोर. ठीक है, तो मेक श्योर क्वांट के एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स अच्छे से करके जाएं जिसका वेटेज ज्यादा है, सो दैट यू विल बी एबल टू स्कोर वेल इन क्वांट आल्सो. आल्सो वन इंपॉर्टेंट हाईलाइट वाज वोकैबुलरी हैड 15 टू 17 क्वेश्चंस, वेयर स्लॉट वन में 4 टू 5 क्वेश्चंस थे, यहां पे 15 टू 17 क्वेश्चंस व्हिच इज ह्यूज. फिल इन द ब्लैंक्स 5 टू 6, आरसीज 2 आरसी थे, टोटल 10 टू 12 क्वेश्चंस थे. ऑड मैन आउट था लॉजिकल रीजनिंग में 15 टू 17 क्वेश्चंस व्हिच वाज डिफिकल्ट. ठीक है, odd man out was there and was difficult. There were two lengthy puzzles, distribution and games and tournaments. तो दो बड़े बड़े puzzle आए थे, distribution का एक और games and tournaments का एक. Games and tournaments again is a cat topic, but वहां से एक puzzle उठा के उन्होंने CET में डाल दिया था. Also अगर आप देखेंगे time and work, time speed distance 4 and 5 questions, time and work 6 questions, ratios 3 to 4 questions. So like I told you previously also, ये तीन topic तो सबसे ज्यादा पूछे गए quantum में, slot 2 में भी. Letter number series 8 to 10 questions, जैसे blood relations ज्यादा था, यहाँ पे letter number series भी ज्यादा है और again blood relations 8 to 10 questions के लिए आया था. Blood relations यहाँ पे काफी scoring था, letter number series के 8 to 10 में से around 5 to 6 questions were pretty much manageable. Direction sense 3 to 4, coding decoding 4 to 5, arrange in ascending descending order, number system 6 to 7 questions. जैसे वहाँ पे simple interest compound interest आया था 3 to 4 questions, यहाँ पे number systems आया था for 6 to 7 questions. Abstract reasoning odd man out was difficult. तो abstract reasoning जो था slot 1 का थोड़ा easy था, slot 2 का however was difficult. Clocks and calendars 1 question. ठीक है, so this is how slot 2 went. Now moving on to slot 3. Slot 3 was basically the second day morning slot. इसमें क्या हुआ था, इसमें क्वांट एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वाज इजी. ठीक है, पेपर नॉट लेंथी बट ट्रिकी, सेम लाइक स्लॉट टू, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल. ठीक है, सो क्वांट एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इजी था बट मॉडरेट लेवल का पेपर था. तो यहाँ पे वोकैबुलरी 4 टू 5 क्वेश्चंस. अभी जस्ट सी द कंपैरिजन गाइस, यहाँ पे 15 से 17 क्वेश्चन वोकैबुलरी था और यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन वोकैबुलरी था. तो वो सी द चेंज इन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है, तो You can be prepared for this year also कि just because किसी और के स्लॉट में कोई पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज्यादा आया है मतलब आपके स्लॉट में भी आएगा, गारंटी नहीं है. ठीक है, बट बाय एंड लार्ज ये टॉपिक का वेटेज फिर भी थोड़ा हाई है. ठीक है, सो मेक श्योर आप वोकैबुलरी अच्छे से कीजिए. फिल इन द ब्लैंक्स 5 टू 6, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 5 टू 6.
ठीक है, 15 टू 18 क्वेश्चंस वर देयर ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सो 5 टू 6 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिलॉक्स के 2 टू 3, क्यूब्स आ गया था स्लॉट 3 में. अगेन यहाँ पे देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क, फिर प्रॉफिट एंड लॉस आया था यहाँ पे ज्यादा. नंबर लेटर सीरीज अगेन, क्रिटिकल रीजनिंग वॉज बैक, ब्लड रिलेशन 2 टू 3, डायरेक्शन 1 टू 2, कोडिंग डिकोडिंग, abstract was moderate, puzzles 2 to 3, but puzzles were easy. Slot 2 mein difficult level ke puzzles hain, yahan pe easy the, abstract reasoning was moderate. Theek hai, so it could have been yahan pe, in fact slot 2 mein I would tell you a good attempt was around 140-ish, whereas in slot 3, a good attempt was again around 130 to 140. Let's talk about slot 4. अगेन आप पैटर्न देखिएगा, स्लॉट 4 में वापस डीआई गायब हो गया, वापस डेटा सफिशिएंसी गायब हो गया, इनपुट आउटपुट नहीं है, क्वांट वाज इजी, पेपर वाज वेरी इजी. ठीक है, सो कंपेयर टू अदर स्लॉट्स द पेपर इन स्लॉट 4 वाज वेरी इजी. लेकिन बहुत बार स्टूडेंट्स का ये भी होता है कि अगर पेपर इजी गया हमारे लिए पेपर डिफिकल्ट है, सो हाउ इज इट जस्टिफाइड, कैसे बैलेंस होता है. तो उसके लिए गाइज यू डोंट नीड टू वरी, इसमें स्केलिंग होता है. स्केलिंग का मतलब ये है कि लेट्स से अगर स्लॉट 4 बहुत इजी है, तो यहाँ पे अगर लेट्स से कोई स्टूडेंट ने 160 भी स्कोर किया है और स्लॉट 3 अगर डिफिकल्ट है, वहां पे अगर किसी ने 140 भी स्कोर किया है, तो दैट 140 माइट गेट लेट्स से 99% percentile, बट दिस 160 माइट नॉट इवन गेट अ 99% percentile. तो इस तरीके से स्केलिंग किया जाता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. ठीक है, See the weightage, vocabulary, again 7 to 8 questions. So, इससे आपको एटलीस्ट ये आइडिया लग जाती है कि भाई वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट तो काफी ज्यादा है. ठीक है, नाउन्स प्रोनाउन्स एडजेक्टिव ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस 5 टू 6, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 आए थे, 12 से 15 क्वेश्चंस, 2 वर इजी, 1 वाज लेंथी. नाउ इफ यू टॉक अबाउट पजल्स, 1 वाज इन डिस्ट्रीब्यूशन, 1 वाज इन रैंकिंग, 1 वाज क्यूब्स, 1 वाज लीनियर. तो क्लियरली आपके सामने है कि कौन से पजल्स आए थे, व्हाट वाज द टॉपिक. Again, please check time, speed, distance and time and work with the favorite. Her slot mein sabse zyada weightage mein aaya tha, quant mein. Theek hai, so make sure time and distance, time and work, percentage, ratios, profit and loss. Please ye topics achche se kar lijiye. Theek hai, the number series again 5 to 6. Again, iska weightage across slots has been high. Blood relations 4 to 5, direction 4 to 5, coding 4 to 5, silocs 5 to 6. Number systems was back 6 to 7 questions. Abstract reasoning was slightly difficult. Critical reasoning had 7 to 8. Clocks and calendars had 1 question. ठीक है? तो यहां से अलग अलग स्लॉट्स देख के हमें काफी अच्छा आइडिया मिल जाता है कि भाई सबसे ज्यादा क्या पूछा जा रहा है. सो आई ऑल्सो गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि अगर आप देखो कि ज्योमेट्री मेंसुरेशन के साथ बात कहीं भी नहीं हो रही है. ठीक है, मेंसुरेशन का हार्डली एक हाथ या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ज्योमेट्री रेयरली देखा जाता है सीईटी में. सो यू कैन फिगर आउट कि अगर इफ लेट्स से इफ यू फाइंडिंग ज्योमेट्री टू बी वेरी डिफिकल्ट, इफ यू फील यू कैन नॉट मैनेज इट, तो फिर आप ज्योमेट्री स्किप कर सकते हैं. तो ऐसे कुछ टॉपिक्स है, इफ यू फील कि बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, अननेसेसरी वेस्टेज हो रहा है ऑफ टाइम, यू कैन स्किप अ सर्टन टॉपिक्स एंड यू नीड टू फोकस ऑन दोज टॉपिक्स जिसका वेटेज ज्यादा है. सो मेक श्योर, अभी बहुत लिमिटेड टाइम है, तो पहली चीज हर सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन डिफिकल्ट आ गया तो हमारे पास दूसरा सेक्शन होना चाहिए बैलेंस आउट करने. हर सेक्शन में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसका वेटेज ज्यादा है, प्लीज उसको प्राइमरीली इम्पोर्टेंस दीजिए और उसको कंसिडर करिए और उस पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए. तो सबसे पहले मेक श्योर वो सारे टॉपिक्स निपटा दीजिए जिसका वेटेज ज्यादा है. ठीक है, if you have any queries with respect to any of this, feel free to mention them in the comment section below. I'll try to answer all your queries. If you want to connect with me, however, personally, you can connect with me on my Instagram channel, which is called Cause, which is Crack Aptitude with Sarika. The link is in the description below. कोई भी doubts है with respect to admissions, with respect to exams, बेझिझक message करिए. We'll try to answer all your queries. ठीक है, इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स और फैमिली इज प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए सीईटी, प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद देम. इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर देम ऑल्सो, और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा टू मेक वीडियोस. दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.